नेम एनी इंडियन रिफॉर्मर हु वॉज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन. टीपू सुल्तान रूलर का नेम आएगा, अगर तो रूलर का नेम आएगा तो टीपू सुल्तान, अगर सोशल रिफॉर्मर है तो राजा राम मोहन रॉय. ठीक है, इन दोनों का आपने नेम याद रखना है. इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू बॉक्स, राजा राम मोहन रॉय वॉज वन ऑफ दोज हु वॉज इंस्पायर्ड बाय द न्यू आइडियाज फ्रॉम रेवोल्यूशन एट दैट टाइम. ठीक है, इवन टीपू सुल्तान ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड, वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द डिफरेंट आइडियाज एट दैट टाइम. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू पेज नंबर 23, इट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट. सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन कैन कम, तो इसमें आपने देखना है नेपोलियन बोनापार्ट की पिक्चर. ठीक है, तो इसको रिकॉग्नाइज करो, इट इज अ पिक्चर ऑफ नेपोलियन. आपको पता होना चाहिए कि ये नेपोलियन बोनापार्ट की पिक्चर है. एंड नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंड मिलिट्री डिक्टेटर और एम्परर ऑफ फ्रांस इन विच ईयर? 1804 में आपको याद रखना है. देन इन विच ईयर ही इम्प्लीमेंटेड हिज सिविल कोड? सेम ईयर 1804, जिस ईयर में वो एम्परर बना, मिलिट्री डिक्टेटर बना, उसी ईयर में उसने सिविल कोड जो है वो इन्फो जो स्टार्ट किया. देन बैटल ऑफ वाटरलू 1815, नेम द फोर कंट्रीज विच डिफीटेड नेपोलियन इन द बैटल ऑफ वाटरलू. कैसे याद रखना है इसको? ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, दीज फोर कंट्रीज डिफीटेड नेपोलियन बोनापार्ट इन द बैटल ऑफ वाटरलू. ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया. प्रशिया के स्पेलिंग PRUSSIA, प्रशिया. ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, दीज फोर कंट्रीज डिफीटेड नेपोलियन बोनापार्ट इन बैटल ऑफ वाटरलू. ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू पेज नंबर 22, इन विच ईयर सेंसरशिप वॉज एबॉलिश्ड. इन विच ईयर सेंसरशिप वॉज एबॉलिश्ड? 1789, जिस ईयर में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया उसी ईयर में, जब किंग ने 4 अगस्त को डेक्री, नई डेक्री जो है उसको ऑर्डर दिया था, तो उसी टाइम सेंसरशिप हटा दी गई थी. इन 1789 सेंसरशिप वॉज एबॉलिश्ड. इसके एबॉलिश होने से क्या हुआ? नाउ पीपल दे वर फ्री टू राइट स्टोरीज, प्लेज, एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वॉज गिवन टू दैम. तो दैट वॉज काइंड ऑफ न्यू फ्रीडम, लेकिन ये फ्रीडम ज्यादा देर तक उनको नहीं मिली, क्योंकि इसके बाद राइन ऑफ टेरर में क्या हुआ, रॉबेस्पियर ने गिलोटिन की पॉलिसी लगा दी, राइन ऑफ टेरर, और जिसमें लोगों को जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिला. दे कांट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट. देन आ जाओ पेज नंबर 21, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी. एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, सबसे पहले तो आपको 3 कॉन्टिनेंट्स बताने हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. कौन से? यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. राइट डाउन 3 कॉन्टिनेंट्स इन्वॉल्व्ड इन ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. पहले वो यूरोप से कहाँ आते थे? अफ्रीका. अफ्रीका से कहाँ जाते थे? अमेरिका. अमेरिका में काम करते थे नीग्रोज जो थे, उनसे काम करवाया जाता था. जो क्रॉप्स कहाँ पे बेची जाती थी? यूरोपियन कंट्रीज. तो इस तरह से इसको कहते थे ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. ओके, यूरोप की बात करें तो हम पढ़ रहे हैं फ्रांस का रेवोल्यूशन. हमने तो फ्रेंच कंट्री के बारे में पढ़ना है कि फ्रांस में कौन से पोर्ट थे. 2 पोर्ट्स बहुत फेमस थे फ्रांस में, मैंने मैप सेंड किया था ना आपको. नेम 2 पोर्ट्स ऑफ फ्रांस. नेम 2 पोर्ट्स ऑफ फ्रांस. बॉर्डे एंड नांते. फ्रेंच सीख लिया आपने? नेम 2 पोर्ट्स,
बॉर्दे एंड नांते। अच्छा इस चैप्टर में कौन कौन से फ्रेंच नेम पढ़े हैं और आपने कौन से पढ़े हैं? हैं? लुई 16th, अच्छा वो तो किंग का नेम है, और ये क्या है सैनक्यूलट, क्या है डोज विदाउट नी ब्रीचेस, किनको कहते थे? पीपल ऑफ जैकोबिन, जैकोबिन क्लब के मेंबर अपने आप को क्या कहते थे? सैनक्यूलट्स, क्यूलट्स का मतलब डोज हु आर विदाउट नी ब्रीचेस। क्यूलट्स का मतलब क्या है कि वो नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे, वो लॉन्ग ट्राउजर पहनते थे, स्ट्राइप ट्राउजर। और ये उस टाइम पीरियड में कौन पहनते थे? डॉकयार्ड वर्कर्स, जो डॉकयार्ड में काम करते थे, ठीक है। सैनक्यूलट्स जो थे वो कौन थे, किनको सैनक्यूलट्स कहते थे? पीपल ऑफ जैकोबिन क्लब। और सैनक्यूलट्स का मीनिंग क्या होता था? फ्रेंच में नाम है सैनक्यूलट्स, वैसे इसका मीनिंग क्या है? दोज विदाउट नी ब्रीचेस, जो नी ब्रीचेस ब्रीचेस नहीं पहनते। पुराने टाइम में ब्रीचेस कौन पहनते थे? नॉबल्स। तो ये लोग अपने आप को नॉबल से अलग दिखना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड वेयरिंग लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स विद रेड कैप। रेड कैप सिंबल क्या क्या करती है? रेड कैप लिबर्टी, ठीक है, ओके। इसके बाद स्लेवरी को अबॉलिश पहले किसने किया? मोनार्की सिस्टम के बाद किसने अबॉलिश किया? रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का मतलब है मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इन 1794। पहले इसको 1794 में स्लेवरी को खत्म किया, लेकिन किसने इसको रीइंट्रोड्यूस किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। फाइनली कब जाकर स्लेवरी खत्म हुई? 1848। फाइनली कब खत्म हुई? 1848। ओके, नेम थ्री क्रॉप्स, नेम थ्री क्रॉप्स हुज डिमांड इन यूरोप वॉज ऑन द लार्ज स्केल, जिनको अमेरिका में आइलैंड्स में ग्रो किया जाता था, निग्रोज उनको ग्रो करते थे। शुगर, कॉफी एंड इंडिगो, शुगर, कॉफी एंड इंडिगो, इंडिगो डाई, ब्लू डाई, ब्लू कलर एक्सट्रैक्ट करने के यूज आता है, ठीक है। Who gave declaration for women rights? किसने दिया था declaration of women? Women के लिए declaration rights किसने दिया? Yes, see this book here. Information can come also. Declaration for women, Olympiadi was. For that she was given punishment. किसने punish किया उसको? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। क्या पनिश किया उसको? शी वॉज गिवन गिलोटिन। वाई शी वॉज गिवन गिलोटिन? बिकॉज शी डिमांडेड वोटिंग राइट फॉर विमेन। उसने क्या किया था? उसने अपने आप से विमेन की लिस्ट बना ली थी, जो लिस्ट है विमेन इज बॉर्न फ्री। कोई मैन सोच सकता है उस टाइम पीरियड में, ओलंपिक गॉज है वो कितनी रेवोल्यूशनरी होगी उस टाइम पीरियड में। उसने क्या लिखा? विमेन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स। ये वो टाइम था जब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर की गवर्नमेंट। और क्या लिखा उसने? द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज अ प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल राइट फॉर वुमेन एंड मैन। और इसके लिए जो उसने ये वुमेन और मैन के बीच में इक्वालिटी का जो है डिमांड की थी, फॉर दैट शी वॉज गिवन गिलोटिन, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? पेज नंबर 18 एंड 19, डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? क्या आपको लगता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया? यस, मेनी वुमेन दे फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ क्लब्स। वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्लब द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन? अब हमने इसको कंडीशन को तीन पार्ट्स में लर्न करना। आपको पता होना चाहिए कि 1789 से पहले वुमेन की कंडीशन क्या थी। देवर कंसिडर्ड, क्या थी वो? देवर कंसिडर्ड एज अ पैसिव, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले कर लो ना, कि 1791 जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, देवर कंसिडर्ड एज पैसिव, नो वोटिंग राइट्स वर गिवन। रॉबेस्पियर के टाइम पीरियड में क्या हुआ उनके साथ? देवर नॉट गिवन
वोटिंग राइट्स एंड दे वर नॉट फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल क्लब्स. उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम में क्या हुआ, दे वर नॉट गिवन पॉलिटिकल फ्रीडम. तो अल्टीमेटली वेमेन जो है उनको फाइनली जाकर राइट टू वोट कब मिला, 1946. ठीक है, फाइनली वेमेन गॉट राइट टू वोट इन 1946. नेक्स्ट है डायरेक्टरी रूल. डायरेक्टरी रूल, डायरेक्टरी रूल जो है इसमें कितने डायरेक्टर्स है, फाइव डायरेक्टर्स. इनके अंडर क्या थी, टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, फाइव डायरेक्टर्स. इमेजिन करो कंट्री के फाइव प्रेसिडेंट हो, क्या हाल होगा, क्या वो आपस में किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन को पास कर पाएंगे, दे विल कीप ऑन यस क्लैशिंग. तो यही हुआ फ्रांस में, जब एक कंट्री के पांच डायरेक्टर बना दिए, पांच जो है अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव बना दिए, तो उनमें कभी भी वोटिंग जो था वो 3-2 या कभी ऐसा नहीं होता था, मेजोरिटी वोट्स होते ही नहीं. तो इस अनस्टेबिलिटी का फायदा किसने लिया, नेपोलियन बोनापार्ट. ठीक है, आगे देखो पेज नंबर 16. लुई 16th वॉज सेंटेंस टू डेथ ऑन द चार्ज ऑफ प्रिजन, देशद्रोह का चार्ज लगाया. एंड ऑन विच डेट इट वॉज, ही वॉज पब्लिकली एग्जीक्यूटेड, 21 जनवरी 1793 एट द प्लेस, प्लेस का नेम डी लॉ कॉन्कॉर्ड. कहाँ पे है ये, पेरिस. पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस. एंड द क्वीन मैरी एंटोनियो वॉज गिवन सेम ट्रीटमेंट, उसको भी सेम ट्रीटमेंट मिली आफ्टर किंग. कुछ देर के बाद यानी कि कुछ डेज के बाद किंग के साथ भी वैसा ही किया गया. ठीक है, क्वीन के साथ. सॉरी, आगे आ जाओ पीरियड ऑफ राइन ऑफ टेरर. कौन सा पीरियड राइन ऑफ टेरर है, ईयर 1793 to 1794. क्यों कहते हैं, बिकॉज ही फॉलोड हिज पॉलिसी सो हार्शली दैट ही पुट कंट्रोल ऑन हिज ओन मेंबर्स, अपने क्लब के मेंबर्स के ऊपर भी उसने पॉलिटिकली कंट्रोल किया. ही ट्रीटेड ऑल दोज एनिमीज, दोज हु क्रिटिसाइज, चाहे उसकी अपनी पार्टी के क्यों ना हो. एंड फॉर दैट ही ऑल्सो स्टार्टेड गिलोटिन, हु इन्वेंटेड, इसमें बच्चे ये मत लिख देना मैक्सिमम रॉबेस्पियर. डिवाइस किसने इन्वेंट की, पनिशमेंट किसने स्टार्ट की देना उसको, है ना. डिवाइस क्या होता था, इट वॉज काइंड ऑफ ब्लेड इन विच पर्सन वॉज बिहेडेड, जिसमें पर्सन जो है उसका नेक जो है वो काट दिया जाता था. पुराने टाइम पीरियड में ऐसा होता ना, पनिशमेंट कैसे होती थी, रॉयल ऑर्डर क्या होता था, किंग ऑर्डर क्या देता था, कि इसके हाथ काट दिए जाएं या इसको क्या कर दिया जाए, फांसी की सजा दे दी जाए. फांसी की सजा तो अलग होती है, लेकिन किसी पर्सन को बिठा कर उसको नोइंगली मारना, मतलब उसको उसके हाथ बांध दिया, उसका लटा दिया जाता था ऐसे, तो उसको पता है कि ऊपर ब्लेड है, अचानक से ब्लेड और उसकी जो है वो नेक कट जाती है इस तरह से. और लोगों के सामने, पूरे लोगों के सामने दिखाना, ताकि बाकी लोग उससे क्या लें, लेसन, डर जाए, ताकि लोग फियर, फियर जो है स्प्रेड मतलब हो. देन इसके बाद ही हिमसेल्फ वाज गिवन गिलोटिन इन द ईयर 1794. इसका मतलब क्या है कि लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं, लोगों ने मोनार्क को नहीं छोड़ा, लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को रिजेक्ट कर दिया, लोगों ने रॉबेस्पियर रिपब्लिक की गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर दिया, और स्लेवरी जो है मैक्सिमम रॉबेस्पियर के बाद डायरेक्टरी रूल को रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट को डिसलाइक किया. पीपल कांट बी सेटिस्फाइड, लोगों को कभी सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है ना, यही रीजन है. नेक्स्ट इज फ्रेंच अबॉलिश मोनार्की एंड बिकेम रिपब्लिक, पेज नंबर 14 एंड 15 के अकॉर्डिंग, है ना. पेज नंबर 14 से स्टार्ट होता है कि जब कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था 1791 में, देन डू यू थिंक किंग वॉज हैप्पी, किंग वॉज हैप्पी, नो. किसी किंग की पावर्स खत्म हो गई, पावर्स को डिवाइड कर दिया, सो ही वॉज नॉट हैप्पी. उसने क्या किया फिर, अपने जो नेबरिंग कंट्रीज थी, उन नेबरिंग कंट्रीज के जो किंग्स थे उनके साथ मिलकर
ही प्लान्ड सीक्रेट अटैक ऑन द फ्रांस. कौन सी कंट्रीज के साथ मिला? राइट डाउन प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया और बाद में यही कंट्री प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया उन्होंने किसको हराया? नेपोलियन बोनापार्ट. जो लुईस के टाइम में नहीं कर पाए वो नेपोलियन के टाइम में वो सक्सेस हो गए. प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. लेकिन नेशनल असेंबली जो बनी थी, नई नेशनल असेंबली बनी थी, जब उनको किंग के इस सीक्रेट प्लानिंग का पता लगा तो असेंबली में वोटिंग करवाई गई और लोगों ने डिसाइड किया टू अटैक ऑन प्रशिया, टू अटैक ऑन प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया. यानी कि लोगों ने क्या किया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया पे ही अटैक जो है उसके लिए वोटिंग की गई. एंड विद दिस वॉर स्टार्टेड, वॉर शुरू हुई. एंड यू नो दीज कंट्रीज वर डिफीटेड. बाद में इन्हीं कंट्रीज ने ब्रिटेन और रशिया के साथ मिलकर नेपोलियन के साथ जब लड़ाई की ग्रुप बना ली. अब उस ग्रुप में क्या था, ये ग्रुप जो था दैट वॉज बिगर एंड नेपोलियन बोनापार्ट कुडंट सर्वाइव इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज पावरफुल कंट्रीज. ठीक है. देन अब जिस टाइम पीरियड में फ्रांस में प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर शुरू हुई ना, तो उस टाइम पीरियड में लोगों के मन में अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने की स्पिरिट, पेट्रियोटिज्म जो है वो आया. एंड ये वो टाइम था जिस टाइम पीरियड में नेशनल एंथम सॉन्ग्स जो है वो बनाए. एक सॉन्ग उस टाइम पीरियड में बहुत फेमस हुआ, मार्सिलेस. और ये सबसे पहले जहां पे गाया गया उसी जगह के नाम पे इसका नाम पड़ गया, मार्सिले. तो मार्सिले क्या है बच्चे, मार्सिले इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. आज भी है. और सबसे पहले जैसे हम कहते हैं हमारी कंट्री का नेशनल एंथम किससे कंपोज किया, रविंद्रनाथ टैगोर. ऐसे आपने याद रखना है, मार्सिले वॉज कंपोज बाय रोगे डी आइसले. ठीक है, नेम पोइट का नेम है, रोगे डी आइसले फ्रेंच नेम है जी ये भी. इंडिया में कभी सुना है ऐसा नेम, रोगे डी आइसले? ऐसे भी वैसे साइलेंट है, रोगे डी आइसले बोल सकते हैं. हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ. ये वो टाइम था जिस टाइम पीरियड में सभी लोग किंग के अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि उनको अपने किंग के बारे में पता लग गया था. लोगों को लगता था कि किंग अब उनका अपना किंग नहीं है, वो दूसरी कंट्रीज के साथ मिलकर अपनी ही कंट्री पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है. ऐसे में बहुत से ग्रुप्स बनने शुरू हो गए और इनमें से सबसे फेमस जो ग्रुप बना दैट वॉज जैकोबिन. अब ये जैकोबिन, जैकोबिन कैसे बना? जैकब, जैकब के नेम पे बना. एक सेंट जैकब जो चर्च का नेम था, उस चर्च में एक बिल्डिंग में ये लोग छुपकर इकट्ठे होते थे. और इनका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. यही मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर नेशनल असेंबली का भी मेंबर था और यही नेशनल असेंबली से पहले मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल में भी गया था. ही वाज वन ऑफ दोज 600 रिप्रेजेंटेटिव्स. जब स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी ना तब ये भी वहां पे था. सो ही डिमांडेड दैट मोनार्की सिस्टम शुड बी अबॉलिश, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को अबॉलिश कर. फॉर दैट ही स्टार्टेड प्लानिंग अगेंस्ट द किंग. उन्होंने क्या किया, टुलेरिस, जिस पैलेस में किंग रहते थे टुलेरिस, उस पर अटैक का प्लान बनाया. ठीक है. और इनकी ड्रेस, जो इनका ड्रेस कोड था वो क्या था, इस तरह की ड्रेस पहनते थे ये मैन एंड वुमेन. यू कैन सी स्ट्राइप ट्राउजर, मैन वुमेन वेयरिंग स्ट्राइप ट्राउजर. ठीक है, सैन कुलेट्स कहते थे इनको. और जो वुमेन थी वो ट्राउजर नहीं पहनती थी, उनकी ड्रेस लॉन्ग स्कर्ट टाइप होती थी, वो भी ऐसी जिसमें एक सैन कुलेट कपल दिखाया गया है. तो ये उस टाइम पीरियड में पहचान थी इनकी कि ये जैकोबिन के मेंबर्स हैं. इसके अलावा ये कुछ सिंबल्स बहुत फेमस हुए. ये सिंबल्स आपको रिकॉग्नाइज करने हैं, दीज सिंबल्स. और हर सिंबल का मीनिंग याद करना है, हर सिंबल का मीनिंग याद होना चाहिए आपको. ठीक है. नंबर वन, ब्रोकन चेन क्या शो करता है? फ्रीडम, बीइंग फ्री, कि कोई पर्सन फ्री हो गया है. ब्रोकन चेन, चेन वर यूज कि स्लेव जो है वो फ्री हो गए. आप कब फ्री हुए थे? एक तो मैक्सिमम रॉबेस्पियर के टाइम में फ्री हुए, दूसरे कब फ्री हुए? 1848 में, जब स्लेवरी अबॉलिश हुई. देन बंडल, बंडल ऑफ स्टिक क्या यूज, क्या शो करता है? यूनिटी,
कि अगर आप इकट्ठे हो, बंडल है आपका, तो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, अगर आप अकेले हो तो कोई भी आपको हार्म पहुंचा सकता है। नेक्स्ट सिंबल है आई विद इन ट्राइंगल। आई ओपन है कि बंद है? ओपन है, तो ये शो करती है नॉलेज कि आपकी आंखें खुली हुई हैं, आपको शो हो रहा है कि गवर्नमेंट कुछ गलत तो नहीं कर रही। देन ये एक काइंड ऑफ रॉयल ऑर्डर, ये रॉयल ऑर्डर है। पुराने जमाने में क्या होता था, टीवी न्यूज़पेपर तो होते नहीं थे, तो लोग जो थे वो ड्रम बजाकर सबको इकट्ठे करते थे और एक उनके साथ एक गार्ड होता था, वो रोल करके ना कुछ पढ़ता था पेपर का, रॉयल ऑर्डर। तो दिस काइंड ऑफ रॉयल ऑर्डर जो है उस टाइम पीरियड में रॉयल ऑर्डर, तो लोगों को पता होता था कि किंग ने कुछ ऑर्डर दिया है। एक और सिंबल है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, एटर्निटी, जिसका कोई एंड नहीं। यहाँ पे कोई एंड नहीं है, ना स्टार्टिंग पॉइंट है ना एंड पॉइंट है। एटर्निटी, सिंबल ऑफ एटर्निटी का मतलब होता है जिसका ना कोई स्टार्टिंग हो ना ही कोई एंड हो। नेक्स्ट इज रेड कैप, प्राइसियन कैप, यस, कैप वॉर्न बाय स्लेव्स अपॉन बिकमिंग फ्री। जब स्लेव्स को फ्रीडम मिली, जिसने भी रेड कैप पहनी हुई थी, रेड कैप का मतलब क्या है कि वो क्या हो गए, अब फ्री हो गए, अब वो स्लेव्स नहीं है। ब्लू व्हाइट एंड रेड, उस टाइम पीरियड में ये फ्रांस के नेशनल कलर्स, फ्लैग का कलर माना जाता था। विंग्ड वुमेन, विंग्ड वुमेन जो है वो लॉ, हमारी कंट्री का लॉ कैसा है, हमारी कंट्री का लॉ कैसा है, हमारी कंट्री का लॉ क्या, पर्सोनिफिकेशन क्या है। जब भी आपने कोई मूवी में सीन देखो, जज के सामने एक स्टैचू होता है ना, हाँ, ब्लाइंड फोल्ड होता है ब्लैक कलर, क्या मतलब कि लॉ ब्लाइंड है, सबके लिए बराबर है। हाथ में क्या होता है, वेटिंग स्केल, वेटिंग स्केल का मतलब क्या है, ऑल आर इक्वल। इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ ब्लाइंड है, इसका मतलब क्या है कि लॉ सबको अपने एक ही तराजू पे तोलता है, उसके लिए कोई बड़ा छोटा या रिच पुअर या कास्ट किसी भी तरह से जो है वो अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉ टैबलेट, लॉ टैबलेट जो है, यस, ये जस्ट दिखा, इसमें ना ये पूरा, इसमें जो नेशनल असेंबली ने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, उसका सारा प्रीफेस लिखा था, तो जस्ट काइंड ऑफ ये बताया है कि लॉ इज सेम फॉर ऑल, तो ये सिंबल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आगे आ जाओ, जैकोबिन, हु वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन, मैक्सिमन रॉबेस्पियर, विच वर द मेंबर्स, जैकोबिन में कौन से मेंबर थे, लेस प्रॉस्परस सेक्शंस, जैसे जो सेक्शन जो था बहुत ज्यादा रिच नहीं थे, पुअर थे, मिडिल क्लास थे, वो थे, कौन कौन से थे, इसमें आपको इनके नेम पता होने चाहिए कि इनके जो है मेंबर्स कौन थे। लाइक फॉर एग्जांपल आप बता सकते हो वॉचमेकर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसंस, शू मेकर्स, प्रिंटर्स जो प्रिंटिंग का काम करते थे, डेली वेज वर्कर्स, डॉकयार्ड, डॉकयार्ड क्या होता है, प्लेस फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग, जो लोग लोडिंग का काम करते हैं उनको बोलते हैं डॉकयार्ड वर्कर्स, काफी हद तक वो भी इस मेंबर, मतलब क्लब के मेंबर थे। देन इसके बाद, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि सैनक्लेट्स का मतलब क्या होता है, दोज हू आर विदाउट नी ब्रीचेस। इन विच ईयर दे प्लान्ड अटैक ऑन पैलेस ऑफ टुलरिस, 1792, एंड ऑन 10th अगस्त 1792 दे अटैक्ड ऑन टुलरिस। जब किंग को अटैक किया गया तो उस टाइम पीरियड में किंग की आर्मी इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि किंग ने प्रटेंड किया था कि वो रह रहा है कहाँ पे, वर्साए में, लेकिन छुप के कहाँ पे रह रहा था, टुलरिस। तो इट वाज इजी फॉर देम जैकोबिन्स टू पुट अटैक ऑन पैलेस एंड दे अरेस्टेड किंग एंड क्वीन, एंड उनको क्या बना लिया, हॉस्टेज। हॉस्टेज का मतलब क्या है, बंदी बना लिया उनको ना, बाद में उनके ऊपर केस चला, जितनी देर केस चला इन द मीन टाइम नेपोलियन, सॉरी मैक्सिमम रॉबेस्पियर ने कंट्री में क्या करवाए, इलेक्शंस करवाए गए, एंड इन इलेक्शंस में वोटिंग राइट चेंज कर दिए गए। किनको वोटिंग राइट दिया, वोटिंग राइट टू मेन अबव द एज ऑफ 21, लिखो, यस। जब मैक्सिमम रॉबेस्पियर के टाइम पर में कंट्री में इलेक्शंस हुए, देन ही चेंज द वोटिंग एज, पहले कितनी थी 25 एंड अबव, अब कितनी कर दी 21 एंड अबव, बट ओनली टू मैन, ठीक है, वेमेन को अभी भी नहीं दिया उसने।
एंड इसके बाद जो मैक्सिमम रॉबेस्पियर की नई पार्लियामेंट बनी, क्या नेम दिया उसने इसको? कन्वेंशन। पहले इसका नाम क्या था? नेशनल असेंबली। अब इसके बाद अगस्त में उसने अटैक किया, एक ही मंथ में उसने जो है वो रॉयल ऑर्डर चेंज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा चेंज कर दिया। अब उसने नया कॉन्स्टिट्यूशन अपने अकॉर्डिंग बनाया और 21 सितंबर 1792 उसने डिक्लेयर कर दिया कि अब फ्रांस जो है वो मनार्क नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन मनार्की खत्म कर दी एंड ही डिक्लेयर्ड फ्रांस एज अ रिपब्लिक। तो ऑन विच डेट फ्रांस बिकेम रिपब्लिक? 21 सितंबर 1792। ठीक है, लेकिन राइन ऑफ टेरर कब से माना जाएगा? 1793 to 1794, क्योंकि सितंबर उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीन मंथ तो उसको समझने में लगे, और इन द मीन टाइम वो थोड़ा ईगो में आ गया, पावर में आ गया, तो उसके हाथ में, एक कॉमन मैन के हाथ में जब पावर आ जाती है तो उसने उसको मिसयूज करना शुरू कर दिया, एबॉलिश मनार्की। ठीक है, हाँ जी, देन फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कौन से में फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी? 1791। अब हमने, मैंने ये ऑलरेडी सारा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, इवेंट्स को अब अपने सारा ऑर्डर में करना है। तो जब आप ऑर्डर में करोगे ना इवेंट्स को, आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन ईयर वाइज भी आ सकते हैं, तो उसको ऑर्डर वाइज भी आ सकते हैं। सपोज अब मैं आपको 5 इवेंट्स लिखा रही हूँ, हरी अप राइट डाउन। फ्रेंच वुमेन गॉट राइट टू वोट, अब आपको ईयर याद होंगे ना तो ही आप उनको सीक्वेंस में कर सकते हो। फ्रेंच वुमेन गॉट राइट टू वोट, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी फॉर एवर, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, हमने इसको असेंडिंग में करेंगे हम इसको, ठीक है, ईयर के वाइज, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी फॉर एवर, देन एग्जीक्यूशन ऑफ किंग लुइस 16, एग्जीक्यूशन ऑफ किंग लुइस 16, then crowning of Napoleon Bonaparte, then crowning of Louis 16th। चलो अब ऑर्डर में करो, नंबर वन क्या आएगा, ईयर बताओ। नंबर वन क्राउन 1774, हाँ जी, उसके बाद एग्जीक्यूशन कौन से ईयर में? 17, क्योंकि 92 में तो अरेस्ट किया था उसको, है ना, और एक साल पूरा केस चला। देन एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी 1848, एक मिस है इसमें, 1946 में विमेन को वोटिंग राइट मिला, एक मिस है, एक कौन सा मिस है, हाँ, क्राउनिंग यहाँ पे आएगा 1804, ऐसे। अब आपको इवेंट्स पता होने चाहिए, उनके ईयर, तभी आप उनको ऑर्डर में करोगे। ये असेंडिंग में भी आ सकता है और डिसेंडिंग में भी आ सकता है, या फिर आपको ग्रुपिंग में भी आ सकता है, मैच का कॉलम में भी आ सकता है, ठीक है, इंडिविजुअली क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आप ये सोचो कि अलग से एक क्वेश्चन वन मार्क, और वैसे तो आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैं बार बार आपको कह रही हूँ, योर क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 40 मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 50 एंड नो इंटरनल चॉइस विल बी गिवन टू यू, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। इट मींस आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इट विल नॉट बी ऑफ वन मार्क, ठीक है, तो हाँ, यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। Clear? Now time is over. I'm going to end any doubt.